नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग आउट की दुनिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी समस्या के बारे में जो काफी कॉमन हो चुकी है, कई लोगों के मुंह से आपने इस समस्या के बारे में सुना भी होगा और आप में से हो सकता है शायद कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्हें ये प्रॉब्लम हो। दोस्तों, ये महिलाओं में खास तौर पर होने वाली समस्या है जिसका नाम है PCOD। आज के समय में यह काफी कॉमन समस्या हो चुकी है। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार PCOD होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, अगर आपको हो भी गई है ये समस्या तो आप घरेलू चीजों के इस्तेमाल से किस तरह से इस समस्या से निजात पा सकते हैं, आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहे तो डॉक्टर की सलाह भी ले लीजिए, लेकिन आप घरेलू नुस्खे करके भी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में PCOD ऐसी समस्या हो चुकी है जो हर 5 महिलाओं में से किसी एक महिला को जरूर होती है। जान लेते हैं कि ये समस्या आखिर है क्या। इस समस्या में जो आपकी ओवरी रहती है उसके ऊपर छोटी छोटी सी गांठें बन जाती है जिसे हम PCOD कहते हैं। दोस्तों, जब ये समस्या आपको हो जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे कि आपको जो आपकी फर्टिलिटी है वह कमज़ोर हो जाती है, साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी पर इसका असर पड़ता है, साथ ही साथ आपके पीरियड हैं वह इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो चेहरा है आपको पिंपल आने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपको कंसीव करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस समस्या का सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो कंसीव करने पर भी पड़ता है। महिलाओं को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ जो आपके बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं, बालों में डैंड्रफ होने लग जाता है, साथ ही साथ आपके फेस पर भी बाल आने लग जाते हैं, आपके इन सब एरिए में आपके बाल जो है वह आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो PCOD से जो प्रॉब्लम होती है वह आपके पूरी तरह से आपके हार्मोन को डिसबैलेंस कर देता है। इस वजह से आपका के जो शरीर की कार्य करने की क्रिया है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये होती है PCOD। अब जान लेते हैं कि ये समस्या आखिर आपको होती क्यों है। दोस्तों, ये जो PCOD की समस्या है इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। जी हाँ दोस्तों, जब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो ये आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप जान लेते हैं कि आपके हार्मोन्स क्यों डिसबैलेंस हो जाते हैं। आपकी खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इसका कारण होता है। आप बहुत ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के हैं, आपकी बहुत ज़्यादा खराब लाइफस्टाइल है, आप बहुत देर रात तक जागते हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, या फिर आप जो डाइट लेते हैं वो डाइट आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। डाइट में आप पोषण युक्त विटामिन युक्त चीज़ें नहीं ले रहे हैं, जो जिन चीज़ों की आपके शरीर को ज़रूरत है आप वो सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके हार्मोन हैं वह डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा ना ही आप वॉक करते हैं, ना ही आप एक्सरसाइज करते हैं। शरीर को रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज, जब कुछ लोग बोलते हैं कि हम घर के काम ही इतने ज्यादा कर लेते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर के काम अलग होते हैं, घर के काम के अलावा आपको अपने शरीर को कम से कम 30 मिनट देना चाहिए। 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज होना, या फिर ब्लड प्रेशर होना, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, जैसी कई सारी जो समस्याएं होती है वह आगे चलकर PCOD की समस्या भी बन जाती है। ये सब कारण होते हैं PCOD की समस्या होने के। तो दोस्तों, ये सब हमने जाना कि किस तरह से PCOD होती है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, साथ ही साथ किन कारणों की वजह से ये दिक्कतें हो जाती हैं। अब जान लेते हैं कि आप किस तरह से घरेलू उपाय करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जान लेते हैं कि इस समस्या से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं इस समस्या में। तो दोस्तों, जो अलसी के बीज होते हैं, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी डाइट में इसे शामिल भी कर चुके होंगे, शामिल करते भी होंगे कई और चीज़ों के लिए, जैसे वेट लॉस के लिए या अन्य चीज़ों के लिए आप अलसी के बीज खाते भी होंगे। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि PCOD की समस्या में अलसी के बीज काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपकी जो PCOD की समस्या है उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। आपको अपनी रोजाना की डाइट में 5 से 7 ग्राम अलसी के बीज को शामिल करना चाहिए।
जिससे कि आपकी जो ये समस्या है इसमें आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो है दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी भी आपके हार्मोन डिसबैलेंस को होने से रोकती है, साथ ही साथ आपकी कई सारी समस्याओं में यह काफी फायदा पहुंचाती है। आपको आधा चम्मच दालचीनी रोज अपनी डाइट में ऐड करनी है। रोज किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। आप दालचीनी सलाद के ऊपर आधा चम्मच दालचीनी डाल सकते हैं, अगर आप दही खाते हैं तो दही के ऊपर दालचीनी डाल सकते हैं, आप दालचीनी का काढ़ा बना सकते हैं, या फिर आप चाय में दालचीनी डाल सकते हैं। आपको रोजाना की डाइट में आधा चम्मच दालचीनी को ऐड करना है दोस्तों। इससे आपकी जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में होता है, साथ ही साथ ये आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करती है, साथ ही आपको कई सारी बीमारियों से दालचीनी बचाती है। इसलिए आपको आधा चम्मच दालचीनी को अपनी डाइट में ऐड करना है। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज की ओर दोस्तों। जो PCOD की समस्या है उसमें जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है वो होती है मेथी दाना। घर में आसानी से मिल भी जाता है और मेथी दाना एक ऐसी चीज है जो PCOD की समस्या में खास तौर पर बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाती है। आप एक टेबल स्पून मेथी दाना रात में पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट आप उस पानी को पी लीजिए और जो मेथी दाना है उसको चबा लीजिए। ऐसा करने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, आपका मोटापा कम होता है, आपका शुगर लेवल कम होता है और आपके जो हार्मोन होते हैं वह ठीक से चलने लगते हैं, डिसबैलेंस नहीं होते हैं और आपके शरीर की जो पूरी क्रिया है वह ठीक तरह से कार्य करने लगती है। तो आप मेथी दाने का प्रयोग करें। साथ ही साथ चौथी जो चीज है वो है एप्पल सिट्रिक विनेगर। दोस्तों आप लोग आजकल कई सारे ऐड भी देखते होंगे जिसमें कई लोग अपना मोटापा कम करने के लिए भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज PCOD की समस्या में काफी फायदेमंद होती है। आप रोजाना 2 चम्मच एप्पल सिट्रिक विनेगर को गर्म पानी के साथ पीजिए सुबह खाली पेट, जिससे कि आपको इस समस्या में काफी आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप सोया प्रोडक्ट को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप टोफू खा सकते हैं, आप सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियों को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कीजिए। आप सीजनल फ्रूट खाइए, आप फ्रूट खाइए, आप कच्ची सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो भी आपको इस समस्या में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने हमारी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले जाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और देखते रहिए ब्लॉग आउट की दुनिया। नमस्कार।